हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? गुड आफ्टरनून। पता है आज मैं आपके लिए ना, जैसे सपोज कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत गर्मी है बट कुछ किचन में जाने का भी मन नहीं है, गैस ऑन करने का भी मन नहीं है, बट केक खाने का मन कर रहा है, तो क्या किया जाए? तो मैं आपको उसी ट्विस्ट भरी रेसिपी के साथ लेकर आई हूँ कि आपको किचन में जस्ट विद इन 10 मिनट्स में ये रेसिपी रेडी हो जाती है और कोई झंझट नहीं है, हमें इसमें गैस यूज नहीं करनी ज्यादा। तो देखिए, आप देख सकते हैं मैं बनाने जा रही हूँ नो बेकिंग कंसेप्ट केक, ओके? और वो भी सिंपल नॉर्मल थिंग से। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने उसके लिए मैरीगोल्ड वाले बिस्किट्स लिए हैं। आप डाइजेस्टिव कोई भी बिस्किट्स ले सकते हैं, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पार्ले जी भी ले सकते हैं, और ये मैंने 2 दशहरी आम जो होते हैं वो लिए हुए हैं। ये बटर हो तो बटर भी यूज कर सकते हैं, अगर बटर नहीं है तो आप घी यूज कर सकते हैं, देसी घी। ये है कोकोनट डेसिकेटेड पाउडर, जो है कोकोनट पाउडर, ग्राइंडेड शुगर एंड ये मिल्क पाउडर। एक्चुअली आप मिल्क पाउडर यूज कर सकते हैं क्योंकि स्वीट डिजर्ट्स में कभी कभी मिल्क पाउडर से ना बहुत सॉफ्टनेस, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। और अगर ये नहीं है आपके पास कंडेंस मिल्क है तो आप कंडेंस मिल्क भी यूज कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बताना भूलगी कि इसमें मिल्क भी मुझे यूज करना है थोड़ा सा, एंड बस केवल हमें ये 50-75 ml मिल्क चाहिए। अगर हम कंडेंस मिल्क यूज करते हैं तो हमें लिक्विड करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं मिल्क पाउडर यूज कर रही हूँ इसलिए मुझे मिल्क की नीड है। तो सबसे पहली स्टेप ये है कि जो बिस्किट्स है उसको हमें ग्राइंड करना है, तो उसके लिए हम ग्राइंडर लेंगे और इसको बिल्कुल बारीक बारीक पीस लेंगे। देखिए, हमने ये ग्राइंडर लिया है और बिस्किट्स के ऐसे छोटे छोटे हम इसमें पीसेस कर लेंगे। और ये मैंने केवल 1 पैकेट लिया है 10 रुपीज वाला, इससे हमारी 2-3 बॉल्स रेडी हो जाएंगे। और अगर आपके घर में मेंबर ज्यादा हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये मैंने 1 बिस्किट्स का पैकेट लिया था, अब इसको मैं ग्राइंड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारा बिस्किट्स को बिल्कुल मैंने ग्राइंड कर लिया, इसको मैं इस बोल में ट्रांसफर कर रही हूँ। अब इस स्टेज पर हमें इसमें, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास बटर है बटर ऐड कर सकते हैं, वरना घी है तो घी भी ऐड कर सकते हैं। पूरा हम इसमें अच्छे से इसको मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। ये बिस्किट रह गया था कि इसको थोड़ा सा, मतलब हमें बस गीला रखना है जिससे कि ये सेट हो जाए। और थोड़ा सा हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपका मन है, देखिए अगर आपको बिल्कुल लाइट स्वीट्स पसंद है, वरना आप इसमें, क्योंकि इस बिस्किट में थोड़ा शुगर कम रहता है, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें पिसी हुई चीनी मतलब ब्राइंडेड शुगर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको चॉकलेट फ्लेवर पसंद है तो आप इस स्टेज पर कोका पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर विश। मैं आपको कोई बाइंड नहीं कर रही, आपका अपना मन है इस तरीके से पसंद है, ये पूरा पेस्ट रेडी कर लिया। अब हम अपनी सेकेंड लेयर्स की प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए मैंने दूसरा बॉल लिया है। अभी हमने अपना दूसरा बॉल लिया है, इसमें ये डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, मिल्क पाउडर, इसमें भी हम बस थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, ग्राइंडेड शुगर कम, क्योंकि ऑलरेडी मिल्क पाउडर में भी शुगर रहता है, इसको भी पूरा इस तरीके से मिला लेंगे। और अगर आपको जरूरत लगती है तो आप हल्का सा मिल्क ऐड कर सकते हैं, केवल इसको बाइंडिंग देने के लिए। अब देखिए, इलायची पाउडर का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, अगर आप इसमें चॉकलेट फ्लेवर नहीं ले रहे तो इसमें इलायची पाउडर मिक्स कर दीजिए। इसको थोड़ा सा एक बार और मिक्स कर देते हैं। अब हमें ये करना है, अब ये जो मैंने मैंगो लिए थे, मैं आपको इसका स्टेप बता रही हूँ कि एक मैंगो का तो मैं मैंगो पल्प बनाने वाली हूँ क्रश करके,
और एक मैंगो को स्मॉलर स्मॉल पीसेस में मेरे को चॉप करना है। तो वो भी आप देख सकते हैं कि जो हमें ग्राइंड करना है वो तो जस्ट ग्राइंडर में इस तरीके से आपको इसका पल्प बनाना है सिंपली। और सेकंड वन हमें इसको चॉप करना है स्मॉल स्मॉल पीसेस में, वो भी आप देख लीजिए। देखिए इस तरीके से हमने मैंगो के छोटे छोटे पीसेस में इसको चॉप कर लिया। ओके, अब देखिए, अब जो मेन स्टेप है वो हमें क्या करना है, जो ट्विस्ट आया। एक्चुअली आपके घर पे इस तरीके के ग्लासेस भी होते होंगे और इस तरीके की बोल्स भी होते होंगे, कटोरियां। अब आपको अगर थोड़ा डेप्थ वाइज लेयर लेना है तो आप ग्लासेस यूज कर सकते हैं, बट मैं ये कटोरी यूज करी हूँ क्योंकि ये स्मॉल वन ना बहुत अच्छा लुक देता है। बट अब उसके लिए करना क्या है, एक्चुअली ये इस तरीके की क्लिंग रैप पेपर्स होती है पॉलीपैक, इससे पतली भी मार्केट में आती है, तो अगर आपके घर पर इस तरीके की है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, और बिल्कुल वो पतला थिन वाला शीट्स होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। तो जस्ट इस तरीके से आपको, मैं ये सब कटोरी रिमूव कर दूं इस तरीके से, बिल्कुल आप देख सकते हैं इसको बिल्कुल ना बॉटम में इजीली आप पूरा इसको चारों तरफ किनारे को इस तरीके से पूरा सेट करते हुए आपको इस तरीके से शेप देना है। अब सबसे पहली जो लेयर है वो हम ये वाली लेयर यूज करेंगे। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अच्छे से हमने पहले ही मैश कर लिया था। अभी इसको अच्छे से हमने इसमें अंदर फिल करना है और इसको पूरा आपको ऐसे प्रेस कर करके पूरा नीचे तक प्रेस करना है, क्योंकि जितना अच्छा ये प्रेस होगा उतना अच्छा इसकी शेप आएगी। इस तरीके से हमने बिल्कुल इसे जितना टाइटली इसको प्रेस कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें मेरे 2-3 पीसेस रेडी हो जाते हैं, तो आप देख सकते हैं अभी अच्छे से प्रेस हो गया है। अब हम इस स्टेज पर इस पे कोकोनट वाला लेयर इसको भी पूरा अच्छे से पेस्ट, इसे भी हमें अच्छे से प्रेस करने हैं बाउंड्री को लेते हुए चारों तरफ यूनिफॉर्मली। इस लेयर को हम थोड़ा पतला रखेंगे, नीचे वाले लेयर को हमें थोड़ा सा थिक रखना है कंपैरिजन, मतलब कंपैरेटिवली नीचे वाली थोड़ी मैंने थिक रखी है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसको 30 मिनट्स के लिए फ्रीजर में सेट करना है। जब ये फ्रीजर में सेट हो जाएगा तो इसको रिमूव करना और उसकी लेयर्स बनाना बहुत इजी रहता है, तो अब 30 मिनट्स के लिए मैं इसको फ्रीजर में रखूंगी। अभी आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने ये 30 मिनट्स फ्रिज में रखा है। अब आपको स्टेप देखना है बिल्कुल ध्यान से। अब इस तरीके से हम इसको बहुत आराम से धीरे से इसको रिमूव करेंगे और जस्ट ऐसे इस प्लेट में बहुत इजीली एक्चुअली ये शेप निकल कर आ जाएगी, देख सकते हैं इस तरीके से। ओके, इसी तरीके से हमने ये सेकेंड वन, बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छी बनती है, आप जरूर ट्राई करिएगा अपने बेबीज वगैरह के लिए इस तरीके से। अभी ये मैंने पल्प रेडी किया हुआ है, मैंने आपको बताया था कि मैंगो पल्प रेडी करना है। जस्ट इसको पहले एक लेयर देंगे मैंगो की इस तरीके से, और फिर हम ये बस इस तरीके से हमने इस पर ये चॉप मैंगोस को रख दिया है हल्का सा। आपका मन है तो आप इस पर ड्राई फ्रूट्स कर सकते हैं, मिंट की भी लीव्स लगा सकते हैं,
तरीके से। अगर आपको चेरी पसंद है तो आप इस पे चेरी भी लगा सकते हैं, इट्स योर विश टोटली कि किस तरीके से आपको इसको पूरा अच्छे से गार्निश करना है। मैं थोड़ा सा इस पे नारियल बुरादा स्प्रिंकल कर रही हूँ। देखिए कितना यम लग रहा है ना, और बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। आप चाहें तो अपने बच्चों के लिए जैम्स भी डाल सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस तरीके से आप इसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। चॉकलेट्स का वो चाहिए तो चॉकलेट लगा सकते हैं, बट जस्ट माउथ फ्रेशनर मोस्टली सभी के घरों पे होता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। इस तरीके से आप ये भी डाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और विदाउट बेक के कौन नहीं चाहता बनाना कि जो हमें गैस पे भी काम ना करना पड़े, अवन पे भी नहीं जाना पड़े और केक रेडी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी ये विदाउट बेक रेसिपी कैसी लगी। ओके, बाय बाय।